लिखा होगा। और ये क्लिक है दोपहर की, लंच में मैं बना रही हूँ मटर पनीर। तो मटर छीन के रखे हैं और लहसुन अदरक प्याज टमाटर सब कुछ मैंने तैयार करके रखा है। और यहाँ पे पनीर मैंने कट करके रखा है, तो लंच में बनाया हमने। और दो तीन इलायची है, बड़ी इलायची। सारा सामान मैंने रख लिया यहाँ पे। और कढ़ाई मैंने गैस में रख ली, इसमें सरसों का तेल डाल लिया। रात को तो बच्चे जैसे बर्थडे हो कुछ भी, जैसे छोटी मोटी पार्टी हो तो रात को केक खा ले बच्चे, तो इसी से पेट भर जाता है, कुछ खाते नहीं। तो मैं लंच में ही बना रही हूँ अभी। तो यहाँ पे सारे मसाले मैंने डाल के बना लिया। और थोड़ी देर में मटर पकने दूंगी, उसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ मैं पनीर। तो हम लोगों ने रोटी बनाई, चावल नहीं बनाई, चावल थोड़ा से बनाए तो ज़्यादा रोटी खाई। आजकल सर्दी में सब रोटी पसंद करते, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, थोड़ा ही बनाया। तो यहाँ पे पूरी नहीं बना पाई मैं वीडियो, तो इतनी ही बनाई। तो ये पनीर मटर पनीर बन के तैयार है। इसे मैंने हरा धनिया कट करके रखा था, वो ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी मटर पनीर बन के तैयार है। अब बनाऊँगी मैं चावल और रोटी। इसको ढक दूँगी मैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल, फ्राई करके बनाऊँगी। तो तेल गरम हो चुका था, इसमें मैंने जीरा डाल दिया। जीरा भी अच्छी तरह से चटक गया। थोड़ा सा हल्का सा मैंने इसमें जख्या डाल दिया, वैसे जख्या अच्छा नहीं लगता, जीरा ही अच्छा लगता है चावल में। तो चावल मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रखे थे। अब मैं चावल को इसमें डाल दूंगी और थोड़ी देर कड़छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसमें पानी ऐड कर लूँगी, जितना मुझे पानी डालना है। तो फ्राई किए हुए चावल बहुत कम बनाती हूँ मैं, से सिंपल ही बनाती हूँ ज़्यादातर से। लेकिन जब कभी इस तरह से फ्राई करके बनाओ तो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं ऐसे वाले चावल। तो यहाँ पे देखो मेरी लंच की थाली तैयार है, सबने खा लिया है। सलाद है, चावल, रोटी और मटर पनीर। और ये खाने के बाद ये बचा हुआ है कढ़ाई में, आप लोग भी आइए खाइए। तो ये रोटी है, चावल है। और यहाँ पे मैं दाल भी भिगोई हूँ उड़द की, पकौड़ी बनाने के लिए। तो दाल मैंने पीस ली है, उसका पेस्ट बना लिया है। और इसमें मैंने सारे सूखे मसाले ऐड कर लिए, जो जो मसाले हम यूज करते हैं किचन में, सारे मसाले ऐड करके इस काली जो दाल होती है उड़द की दाल, ये दाल हमारे यहाँ सब काम में बनाए जाते हैं। इसके पकोड़े, जैसे शादी है या किसी का गृह प्रवेश है, दीपावली में तो खास तरह से ये पकोड़े बनते ही बनते हैं हमारे यहाँ। तो इस तरह से हाथ पे ना चिपके, इसलिए ये पन्नी मैंने जो ये थैली है इसको गीले हाथ से मैं पानी लगा रही हूँ उस पे डाल के, वैसे हाथ पे चिपकता है। तो ये उड़द दाल के पकोड़े बन रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही टेस्टी होते हैं, खाने में अच्छे लगते हैं। ये अभी डिनर में बन रहा है, इसलिए हल्का हल्का अंधेरा सा आ रहा है, लाइट कम थी। तो ये देखिए हमारे पकोड़े बन के तैयार हो गए हैं। जैसे जैसे बन रहे हैं तो ये इतने बने, मैं पहले बच्चों को दे दूंगी और ये बनते रहेंगे। तो लीजिए उड़द दाल के पकोड़े बन चुके हैं, बच्चे खा रहे हैं अंदर। और ये है चाउमीन, तो हम सब लोग खा लेते हैं, आप लोग भी आइए प्लीज खाइए। तो यहाँ पे बच्चे लोगों की पार्टी चल रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस ये वीडियो है 4 दिसंबर की। 4 दिसंबर का दिन हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। 4 दिसंबर को मेरी बेटी का बर्थडे होता है और ये छोटी सी वीडियो बनाई। बर्थडे तो इस साल ऐसे नहीं मनाया जा रहा जैसे मनाते थे, सब लोग ऐसे ही कर रहे होंगे। और मेरी बड़ी वाली बेटी को बर्थडे मनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बोलती है केक वेक काटना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरे बर्थडे पे कहीं घुमाने ले चलो, मुझे घूमना अच्छा लगता है, लेकिन नहीं जा पाते हैं। अभी तक उसके बर्थडे पे कहीं घुमाने नहीं ले गए, टाइम नहीं मिलता, पापा को उस टाइम पे छुट्टी नहीं होती, इस वजह से नहीं लेके गए। तो उसे केक वेक काटना पसंद नहीं है। तो ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस हमने फैमिली मेम्बर्स ने
जो भी जिस तरह से भी बर्थडे मनाया आप लोगों को, आप लोगों के साथ शेयर किया, बस उसकी एक दो फ्रेंड आ रखी थी, उन्होंने डांस किया, आप बताना उनका डांस आपको कैसे लगा और हमारी पूरी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके बताना। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।